तो गाइजर आज है संडे और लॉस सेंटोस का मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। स्विमिंग पूल में मैंने अभी अभी अपनी बोट चलाई थी और मेरी मछलियां भी बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि आज संडे और हम सब रिलैक्स कर रहे हैं, आज हमको कुछ काम नहीं करना। आ जाओ मैं आपको अपनी मछलियों से मिलाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये शार्क है जिसका नाम है बिट्टू। हेलो बिट्टू, कैसे हो? और हमारे पास ये डॉल्फिन है जो कि अभी सो रही है। ये सो रही है या मर चुकी है इसका पता नहीं चलता क्योंकि ये उल्टी सोती है, तो ये मर गई कि सॉरी है मुझे समझ नहीं रहा। और यहाँ पर मेरे पास और भी मछलियां हैं, किट्टू और सिट्टू। तो ये मेरी सारी की सारी मछलियां हैं, हम संडे को साथ में मिलकर मजे करते हैं। अरे अभी कौन आ गया? संडे को मैंने सबको बोल रखा है कि मुझे परेशान ना करे, पर अभी कौन आ गया? चलो चल के देखते हैं कौन है यहाँ परेशान। अरे क्या हो गया? मैंने क्या किया? फ्रैंकलिन यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों, मैंने क्या किया? हमने कभी नहीं सोचा था हमारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर इतना बड़ा क्राइम करेगा। जल्दी से वैन में चढ़ जाओ वरना ये गोली मार देंगे तुम्हें। अरे पर मैंने किया क्या? बॉयज 3 सेकंड में अगर ये ऊपर ना चढ़े तो गोली मार देना। एक, अरे चढ़ रहा हूँ। अरे पर मैंने किया क्या है ये तो बता दो, मुझे जेल में क्यों लेके जा रहे हो? तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है फ्रैंकलिन, चुपचाप बैठे रहो वरना गोली पड़ेगी। अरे मुझे बचा लो कोई, क्या हो रहा है मेरे साथ? फ्रैंकलिन जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। अरे मैंने किया क्या ये तो बता दो। और फ्रैंकलिन कैसे हो? अरे कैसे वैसे छोड़ो, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्यों पकड़ के लेके आए हो? फ्रैंकलिन अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ कि हम तुम्हें यहाँ पर क्यों लेके आए, क्योंकि तुमने जो किया है। अरे सस्पेंस मत बढ़ाओ, जल्दी बताओ। तुमने तो कुछ नहीं किया, मुझे तुमसे एक काम था इसलिए बुलाया है। क्या, मैंने कुछ नहीं किया? हाँ तुमने कुछ नहीं किया। तो फिर ये गन दिखा के मुझे क्यों लेके आए थे? वो तो मैं ऐसे टाइम पास कर रहे थे। अरे फालतू में डरा दिया मुझे, बताओ क्या काम है? फ्रैंकलिन जैसा कि तुमको बताए, दूर लॉस सेंटोस में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉर्डर है जो दो देशों को मिलाता है। तो वहाँ पर जो ऑफिसर था उसको रिश्वत के केस में पकड़ लिया गया है, इसलिए उसको वहाँ से निकाल दिया और वो जेल में। क्या, रिश्वत के केस में? हाँ फ्रैंकलिन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस ऑफिसर की जगह जाओ उस बॉर्डर पर। क्या, मैं? हाँ फ्रैंकलिन, वैन भी रेडी है तुम्हें लेके जाने के लिए। अरे पर मैं वहाँ पर क्या करूँगा? फ्रैंकलिन हमने आज तक तुमको जितनी ट्रेनिंग दी है वो सब तुम्हें वहाँ पर काम आने वाली है। अब जाओ और अपने देश की रक्षा करो। क्या मतलब, सही में जाना पड़ेगा? हाँ फ्रैंकलिन सही में जाना पड़ेगा। ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, उससे पहले मैं एक बार घर पे जाना चाहता हूँ। हाँ वैन तुम्हें ले जाएगी, जाओ जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ। तो कैसर अभी हमारे ऑफिसर ने मुझे अपना अगला टास्क दे दिया है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। तो ऐसे काम हमें मिलते रहते हैं और अभी मुझे काम मिल चुका है बॉर्डर पर जाने का। तो अभी बॉर्डर पर हम जाने वाले हैं और वो बॉर्डर से में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा घर से दूर भी है। तो पता नहीं मैं वापस घर पर कब आऊंगा, इसलिए आखिरी बार अपने घर को और शिनचैन को बाय बाय बोल देते हैं। सही में जा रहे हो क्या? हाँ शिनचैन मैं सही में जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता मैं लॉस सेंटोस वापस कब आऊंगा। तो शिनचैन तू चौक का और इस घर का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। ओके वेकी, मैं टेंशन मत लो, हम सब का ध्यान रखेंगे, वापस जल्दी आना। हाँ शिनचैन मैं कोशिश पूरी करूंगा जल्दी आने की। चलो फटाफट से सामान डाल लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। बाय बाय वेकी भैया। बाय बाय शिनचैन, बाय बाय चौक। तो गाइस सर अभी शिनचैन और चौक को बाय बाय हमने बोल दिया है और हम जाने वाले सीधा उस बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करने। चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारी ड्यूटी होने वाली है, इन खतरनाक खतरनाक जंगलों में। अब हम एक पुलिस वाले हैं तो जंगलों में तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो अभी ये अंकल हमें छोड़ने वाले जहाँ पर हमारी ड्यूटी होने वाली है, जब तक हम यहाँ पर बैठ के गाने सुनते हैं। तो गाइस सर अभी आप सामने देख सकते हो हमारा बॉर्डर आ चुका है, यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगने वाली है बॉर्डर पोस्ट पर। फटाफट से यहाँ से उतर जाते, थैंक यू अंकल मुझे यहाँ पर लाने के लिए। तो गाइस सर आपका स्वागत है हमारी खतरनाक सी नई जॉब पर। हमें यहाँ पर अपनी जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि जो पहले यहाँ पर पोस्ट पर काम करता था उसने कुछ काम किए और गुंडों को भी इस देश के अंदर घुसने दे दिया, पर हम वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। फटाफट से यहाँ पर अपनी बुक ले लेते हैं और गाइजर ये यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां जाने वाली है बॉर्डर से, उन सबको चेक करना पड़ेगा, उनके नेम सरनेम एक्सपायरी डेशन सबका सब चेक करना पड़ेगा और हमें कुछ भी गलत नहीं होने दे रहे। तो फटाफट से अपना सबसे पहला जना बुलाते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहला जना हमारी जॉब का आने वाला है। आ जाओ अंकल। और ये गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, हमें इसको बिल्कुल ढंग
से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी टॉर्च चला के देख लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं है इसकी। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ है क्या? मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। अभी इनसे बात करते हैं। हेलो अंकल, क्या हाल है? फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, देखते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इनका हमें नाम चेक करना पड़ेगा, और ये नाम इनका बिल्कुल सही है। तो कैसर, इसका नाम तो बिल्कुल सही है, अब देखते हैं क्या पासपोर्ट नंबर सही है। पासपोर्ट नंबर भी सही है, और इसका वैलिडेशन देख लेते हैं। कांट मैच, ओके। इसकी एक्सपायरेशन डेट मैच नहीं कर रही, और इसकी फोटो मैच तो कर ही रही है। तो अभी यहां पे एक्सपायरेशन हमने कर दिया है, और अब हम इसका डिसीजन लेने वाले हैं। हम इसको अपने देश में नहीं घुसने देने वाले, डिनाइड। चलो अपने घर जाओ वापस से, क्योंकि इनकी डेट बिल्कुल गलत थी, इसलिए हमने इनको वापस से घर भेज दिया। बाय बाय अंकल। तो गाइस सर, ऐसे ही हमें बिल्कुल अच्छी तरह सबका सब चेक करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी गाड़ियां भी आने वाली हैं। तो गाइस सर, फटाफट से अपने अगले ड्राइवर को यहां पर बुला लेते हैं। आ जाओ अंकल, देखते हैं इनकी गाड़ी में क्या हमें कुछ खतरनाक मिलने वाला है। सबसे जगह हम पहले ट्रंक खोलेंगे, कि ट्रंक में यहां पर इंजन है, पीछे पता नहीं इंजन है, आगे का डिक्की है क्या? ओके, आगे इसके डिक्की है, देखते हैं यहां पर कुछ खतरनाक सी चीज तो नहीं है। और कुछ खतरनाक सा तो मुझे यहां पर दिख नहीं रहा। फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो गाइस सर, अभी देखते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स में क्या है। इनका नाम पहले मैच करते हैं, ओके नाम बिल्कुल सही है, और इनका पासपोर्ट नंबर भी बिल्कुल सही है, और इनकी डेट भी चेक कर लेते हैं। ओके, डेट इस बार मैच नहीं कर रही, पिछली बार भी मैच नहीं कर रही थी, और ये है 38 इयर्स का। तो गाइस सर, इसका सबकी सब चीजें सही है, तो हम इसको भेज देंगे अंदर। लेट्स गो, अप्रूव्ड, इसको कर दिया है, और ये पहला जना जो कि हमारे देश में जाने वाला है। बाय बाय अंकल, जल्दी जल्दी चले जाओ यहाँ से, और अपनी नेक्स्ट व्हीकल को भी बुला लेते हैं, और वो अंकल चले गए। बाय बाय। तो गाइस सर, यहाँ पर अभी अपना अगला जना भी आ चुका है, देखते हैं क्या हमें इधर कुछ खतरनाक सा मिलने वाला है। इसकी गाड़ी में तो मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसकी ट्रंक में भी कुछ नहीं है। चलो फटाफट से इसके डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। अंकल डॉक्यूमेंट्स दो फटाफट से। फटाफट से इनका अपन नाम मैच करेंगे। ओके, नाम मैच कर चुका है। पासपोर्ट नंबर देखते हैं, पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पर मैच कर चुका है। तो गाइस सर, मेरे हिसाब से सबका सब सही है, तो इसको हम जाने वाले हैं अंदर देने। जल्दी जल्दी जाओ अंकल, अप्रूव कर दिया हमने इसको, और ये हमारी एक और गाड़ी जा चुकी है। देखते हैं क्या हमने सही डिसीजन लिया। बिल्कुल सही डिसीजन था हमारा, और हमें $100 भी मिल चुके हैं। फटाफट से अपना अगला व्हीकल बुलाते हैं। आ जाओ अंकल, जल्दी जल्दी। तो गाइस सर, आज तो हमारा पहला दिन है, इसलिए हमें ज्यादा कुछ काम करनी पड़ रहा, बस ये छोटी मोटी चीजें करनी पड़ रही है, पर धीरे धीरे हम और भी ज्यादा खतरनाक काम करेंगे। फटाफट से देख लेते हैं क्या इसकी गाड़ी में कुछ ऐसा खतरनाक है जो कि नहीं होना चाहिए। फटाफट से इधर खोल लेते हैं। ओ क्या हो गया अंकल, ये अंकल बाहर क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फटाफट से देख लेते हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो अंकल, आप फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स दो। फटाफट से इनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं क्या है, क्या कुछ गलत तो नहीं। फटाफट से इनका नाम मैच करेंगे। ओके, मिसमैच, सबसे पहली चीज ही मिसमैच हो चुकी है। पासपोर्ट नंबर मैच करेंगे, क्या पासपोर्ट नंबर सही है? ओके, पासपोर्ट नंबर तो सही है। डेट ऑफ एक्सपायरेशन भी चेक कर लेते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरेशन भी बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर इसका नेम मैच नहीं किया था, इसलिए हम इनको अंदर नहीं देने जाने वाले। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं डरता नहीं हूँ तेरे से, चुपचाप यहाँ से निकलने, वरना बहुत बुरा मारूंगा। और गाइस, चाचा को हमने वापस से भेज दिया है। बाय बाय चाचा, तुम इधर नहीं आ सकते। तो गाइस सर, अभी हमने इनको भेज दिया, गेट बंद करना पड़ेगा, कोई वहां से आ नहीं जाए। तो इसी के साथ आज का हमारा दिन पूरा का पूरा होता है खत्म। पहला दिन बहुत ही ज्यादा सबका सब इजी था, और ये है हमारा घर। यहाँ पर हमें सोना है, क्योंकि यार पुलिस वाले हैं, तो कोई अच्छा ऐसे महंगा महंगा घर तो मिलेगा नहीं, यही पर सोना पड़ेगा। तो लेट्स गो, फटाफट से सो जाते हैं। तो गाइस सर, अभी सुबह हो चुकी है, और हमारी ड्यूटी की भी बारी आ चुकी है वापस से सुबह। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो हमारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर यहाँ पर नई स्मगलर्स की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। वन ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन गैंग हैज ऑब्टेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अनदर शिपमेंट। और ड्राइवर की एज है 42, हमें उसको पकड़ना है। और सेकंड हमारे पास है, वी सस्पेक्ट द ड्राइवर हु डिड नॉट स्टॉप फॉर इंस्पेक्शन यस्टरडे विल ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1DPE। लेट्स गो। तो गाइस, एक 42 एज वाले को और एक DP वाले को पकड़ने हैं। तो लेट्स गो, फटाफट से खोलते हैं। आने तो सबसे पहले जने को, पहले इसके नंबर प्लेट चेक कर लेते हैं, और इसकी गाड़ी में भी देख लेते हैं क्या हमें कुछ खतरनाक तो नहीं मिलेगा। ओ चाचा, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, इसको फटाफट से बाहर बुला लेते हैं। आ जाओ। मैंने क्या किया, क्या हो गया?
आपने क्या किया वो सब तो मैं चेक करूंगा। और काइजर आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्नेक का साइन आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ पक्का है। हमको जल्दी से नाइफ चाहिए होगा, देखते हैं इसकी सीट में हमें क्या मिलने वाला है। फटाफट से ये नाइफ मिल गया, चुपचाप इधर खड़े रहना वरना नाइफ तेरे अंदर डाल दूंगा। फटाफट से इसको फाड़ते हैं, ये ले खुल जा खुल जा खुल जा। और काइजर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा ड्रग्स मिल चुके हैं, खतरनाक खतरनाक। और देखते हैं इधर कुछ है तो नहीं। सबसे पहला क्रिमिनल हमने अपना पकड़ लिया है जिसके पास खतरनाक से ड्रग्स निकले। एक सेकंड, यहाँ पर और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, मुझे ढंग से बिल्कुल चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके टायर भी चेक कर लेते हैं, कुछ टायर में ना मिल जाए। फटाफट से ये भी खोल लेते हैं, इधर कुछ नहीं मिल रहा और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। चाचा आप तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, चलो फटाफट से इनको अरेस्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ओ इतने सारे ड्रग्स इनके मिले और बोल रहा कुछ नहीं किया। चुपचाप अंदर रूम में रहो और हम इसको गेट को बंद करने वाले। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक बार मुझे छोड़ दो और बोला ना तो आके मारूंगा इधर ही। ये ले तेरी लाइट चालू कर दी, अब डरियो मत। तो गाइस जितने भी कोके ना मैं यहाँ पर मिली थी हम सारी की सारी अपने स्टोरेज में रखने वाले हैं। और अपन चलते हैं फिर से अपनी जॉब पर, जल्दी जल्दी अगले जने को बुलाते हैं। ओ अंकल इस गाड़ी को फटाफट चढ़ा दो, रुक जाओ इसको बोलते हैं। और चाचा फटाफट से गाड़ी हटा दो। तो गाइस हमारा काम हो चुका है, गाड़ी यहाँ से हट चुकी है। अब फटाफट से हमें अपने अगले टूल्स भी यहाँ पर मिल चुके हैं और इसको फटाफट से लेके चलते हैं और अपनी अगली गाड़ी बुलाते हैं। और यहाँ पर तो ये बड़ी सी मिनी वैन आ रही है, देखते हैं इसमें कौन आने वाला है। याद रखना हमें 42 एज वाले बंदे को भी ढूंढना है। और चाचा सबसे पहले चेक करेंगे क्या इनकी गाड़ी में कुछ खतरनाक अजीब सा दिख रहा है। इधर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पीछे वाले गेट में कुछ है क्या? इनकी गाड़ी में चढ़कर देखना पड़ेगा। इधर भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा, पूरी की पूरी खाली लगी पड़ी है। तो इनके टायर भी चेक कर लिए जाए, टायर में भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इस वाले टायर में कुछ नहीं है। चलो फटाफट से इनके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। सबसे पहले इनका नाम मैच करेंगे, मैच हो गया। पासपोर्ट नंबर मैच करेंगे, ओ मिस मैच। और इनकी डेट मैच करेंगे, ओके ये भी मिस मैच। और इनकी एज है 27, ये 42 का तो नहीं है पर इसने बहुत ही गलत काम किया इधर आके। तो फटाफट से इसको करते हैं डिनाइड, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ क्योंकि इनका पासपोर्ट नंबर भी गलत था और डेट भी गलत थी। फटाफट से अपना अगला व्हीकल बुला लेते हैं। और आप देख सकते हमारे पास कितने अलग अलग नए नए टूल्स आ चुके हैं, तो इनका यूज करके हम लोगों को पकड़ भी सकते हैं। लेट्स गो। तो काइजर अभी आप देख सकते हो ये कैसी सी गाड़ी आ चुकी है, ये बॉर्डर के वहां पर क्यों जा रही है। पहले फटाफट से अपन को चेक करना पड़ेगा क्या इसकी गाड़ी में हमें कुछ मिलने वाला है। हमें बस एक सांप का साइन ढूंढना है, अगर वो दिखा तो इसको पकड़ लेना है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो फटाफट से इसके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अंकल डॉक्यूमेंट दो फटाफट से, देखते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स में क्या मिलने वाला है। नाम इनका मैच कर रहा है, पासपोर्ट नंबर इनका बिल्कुल ढंग से मैच कर रहा है, इनकी एक्सपायरी डेट भी मैच कर रही है, इनका डेट ऑफ बर्थ भी देख लेते हैं क्या है। और 40, मुझे इस तलाश है 42 की और इनका 40 है तो ये लोग तो जा सकते हैं। फटाफट से इनको भेज देते हैं, थैंक यू अंकल आने के लिए, बाय बाय। तो गाइस अंकल का काम हो चुका है, फटाफट से अपने अगले जने को बुला देते हैं। ये काम धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि धीरे धीरे हमारी डिफिकल्टीज और भी बढ़ती जा रही है। फटाफट से चेक करते हैं क्या इसकी गाड़ी में कुछ हमें खतरनाक मिलने वाला है। इसके टायर में कुछ नहीं है, इस टायर में भी कुछ नहीं है, इधर है कुछ सांप वाप तो नहीं है तेरी गाड़ी में, इसकी गाड़ी में तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आप फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स दो। तो गाइस इनके डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले मैच करेंगे 42। रुक जाओ एक सेकंड, रुकना अंकल यहाँ पर 42 था ना, हाँ 42 ही था। तो गाइस मुझे लगता है हमारा जना हमें मिल चुका है, पर फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं। नाम इसका सही है, पासपोर्ट नंबर भी इसका बिल्कुल सही है, एज है 42, इसलिए हम इसको अरेस्ट करने वाले हैं। आ जाओ अंकल। तो गाइस आखिरकार जो हमें बोला था एक जना यहाँ पर क्रॉस करने वाला है, हमने उसको पकड़ लिया है। तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर साथ में रहने वाले हो और मैं ये जेल बंद करके जा रहा हूँ, लेट्स गो। एक और जना हमने यहाँ पर अपना पकड़ लिया है, अब फटाफट से इस गाड़ी को क्लियर करवाते हैं। और चाचा फटाफट से गाड़ी क्लियर कर दो। तो गाइस इसी के साथ आज की भी हमारी ड्यूटी हो चुकी है खत्म, हम जाएंगे अपने घर पर और सीधा सो जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ आज की भी हमारी ड्यूटी हो चुकी है खत्म, हम जाएंगे अपने घर पर और सीधा सो जाएंगे। तो गाइस आज है हमारा डे 3 और आज हमें अपने इधर के प्रिजनर्स को लेके जाना है बड़े प्रिजन में। तो फटाफट से चलते हैं, चाचा आपका टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का, इसको फटाफट से ट्रांसफर करते हैं पुलिस कार में। और इसको भी हम इनको लेके जाने वाले हैं एक बड़े से प्रिजन के अंदर, सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, फटाफट से चलते हैं और इनको प्रिजन पर लेके चलते हैं। और गाइस जब मैं कल आ रहा था तो मैंने बीच में एक वेपन शॉप भी देखी थी, तो आज उस वेपन शॉप में भी हम जाने वाले हैं अपने लिए कुछ खतरनाक से वेपन लेने पर। अभी हम इन फटाफट से लेके चलते हैं प्रिजनर्स को। और गाइस यहाँ से टाइम आ चुका है
निकलने का फटाफट से निकल लेते और अपना मैप अपन देखते रहेंगे। बीच में गाड़ी भेज दी, हमें गाड़ी को आराम से चलाना पड़ेगा मैप देखते देखते ताकि हम जल्दी से उस बड़े वाले प्रिजन में पहुंच पाए। अब लेफ्ट जाना है कि राइट? राइट ही जाना है, बिल्कुल सीधा सीधा इस रोड पर। मेरी बात सुन पुलिस वाले, हमें तू यहाँ पर छोड़ दे, हम तुझे बहुत सारा पैसा देंगे। अच्छा, कितना पैसा दोगे? तो जितना बोल उतना पैसा देंगे, बस हमें छोड़ दे। हाँ चलो 100 मिलियन दे दो, अभी छोड़ देता हूँ। क्या 100 मिलियन? अबे तू पागल तो नहीं हो गया है? अब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो दे दो ना। नहीं, इतना पैसा हम नहीं दे सकते। तो कैसे ना, अभी आप देख सकते हो आगे का रोड पूरा का पूरा क्लोज हो रखा है, तो हमें उस रोड को वापस से ठीक करना पड़ेगा। इसी के लिए हम अपनी एक्स भी लेके आए थे, तो फटाफट से एक्स मारते हैं और इस पेड़ को यहाँ से हटा देते हैं। लेट्स गो, हमारा काम हो चुका है। फटाफट से अंदर चढ़ेंगे, इंजन चालू करेंगे और गेट बंद करेंगे। लेट्स गो, फटाफट से चल लेते हैं, फटाफट से उस प्रिजन पर पहुंच जाते हैं। गाइस अभी आप देख सकते हो हम उस प्रिजन पर आ चुके हैं जहाँ पर ये सारे के सारे लोग काम करेंगे, पत्थर तोड़ेंगे और ये यहाँ से कभी नहीं भाग पाएंगे। चलो चाचा फटाफट से गेट खोल दो और हम आ चुके हैं। तो फटाफट से ट्रांसफर कर दिए अपने यहाँ पर प्रिजनर्स, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो ये प्रिजनर्स का तो काम हमारा हो चुका है, अब हम जाने वाले हैं हमारे शॉप पे वेपन्स वाली, जहाँ पे हम बहुत सारे वेपन्स भी ले पाए अपने लिए। तो लेट्स गो, फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें चाहिए था वो खतरनाक सी वेपन शॉप। फटाफट से यहाँ पर उतर जाते हैं, फटाफट से अंदर चलते हैं। अंकल मैं आ गया, और आप देख सकते हो कितने खतरनाक खतरनाक वेपन से। आ जाओ अंकल, दिखाओ के पास क्या क्या है। एक सेकंड में गन्स नहीं खरीद सकता क्या? हाँ, ये हुई ना बात, गन खरीदने का कुछ अलग ही मजा आने वाला है। यहाँ पर ग्रेनेड भी है और गन्स भी है, तो फटाफट से एक गन ले लेते हैं और थोड़ी सी एमो ले ली जाए। तो यहाँ पर हमने अपनी गन्स भी ले लिए और क्या लिया जाए देखते हैं। और तो लगभग हमारे पास सारी की सारी चीजें, तो अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पर एक खतरनाक सी गन ले ली है। सॉरी अंकल, मजाक कर रहा था। फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं, अपने वापस से बॉर्डर पर चलते हैं क्योंकि हमारा काम वापस से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस जब तक मैं पुलिस बेस पर जा रहा हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे नहीं करा तो। और अभी हम जाने वाले हैं सीधा उस पुलिस बेस पर जहाँ पर हमें वो सारे के सारे ड्रग्स रखने पड़ेंगे। और गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग पुलिस बेस पर भी आ चुके हैं अपनी इस खतरनाक सी गाड़ी को लेके। फटाफट से इसको लगाते हैं पार्किंग में, यही हमारी पार्किंग है। फटाफट से यहाँ से उतर जाते हैं और चलते हैं अंदर सारे के सारे ड्रग्स रखने। इन अंकल को हमें देना है। ओह चाचा, अरे तो सो रहा है। तो फटाफट से इनको हमने सारा का सारा सामान दे दिया है। $84 हमें यहाँ पर मिल चुके हैं और अब वापस से यहाँ से जाना है हमको बॉर्डर पोस्ट पर जहाँ पर हमारी ड्यूटी थी। ये काम तो सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बार बार इधर जाना उधर जाना। पर अब जब मैं पुलिस वाला बना था तो मैंने सोचा था मैं ये करूंगा, तो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। फटाफट से यहाँ से निकल भी लेते हैं। तो गाइस अभी हम वापस से बॉर्डर पर आ चुके, गाड़ी हमने यहाँ पर खड़ी रख दी है। फटाफट से चलते हैं अंदर और हमारा काम आज का हो चुका है। मेरी बात सुनो, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, तो हम तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं, तुम अपने घर वापस जा सकते हो, पर याद रखना कल वापस आना पड़ेगा। क्या सही में एक दिन की छुट्टी? तो गाइस अभी आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर एक दिन की छुट्टी मिल चुकी है और मैं अपने घर पर वापस से जाने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, हम अपने घर पर वापस से जाएंगे और कल हम वापस आएंगे। तो लेट्स गो, फटाफट से अपने घर के लिए निकल लेते हैं। मेरे को घर की बहुत याद आ रही थी और शिनचैन की भी। फटाफट जाके शिनचैन से मिलते हैं और इन प्रिजन वालों की मैं गाड़ी भी लेके जाने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, फटाफट से आपको अपने लॉस सैंटोस पर मिलते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो फाइनली हम अपने घर पर आ चुके हैं पूरे के पूरे 4 दिन बाद। मैं सुबह निकला था और अभी शाम हो चुकी है, घर पर पहुंचते पहुंचते आखिरकार मैं अपने घर पर वापस आ गया। शिनचैन चॉप, अबे चॉप तू अभी भी टट्टी कर रहा है, देख मैं आ गया। आओ मेरा तुम्हारी खुशी में टट्टी करे, ये लो खा लो। ये चॉप का बच्चा तो अभी भी नहीं सुधरा, पर शिनचैन का मैं, शिनचैन मैं आ गया। हेरी विकी में हैप हैप कैसे आ गए? शिनचैन मुझे मेरी चॉप से एक दिन की छुट्टी मिली है इसलिए मैं घर पर आ गया। हेरी विकी में फिर मुझे बताया क्यों नहीं? अबे मैं तुझे सरप्राइज करना चाहता था। अरे शिनचैन तुम खाने में क्या खाओगे? अरे ये क्या, पुलिस भागो, पुलिस आ गई भागो। अरे दीदी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अबे शिनचैन ये कौन थी? अरे वेकी भैया मैंने एक नई काम वाली रखी है जो कि चौक की टट्टी साफ करती है। क्या
जॉब की टट्टी साफ करने के लिए काम वाली। चल ठीक है, पर अभी अपने घर पर आ चुके हैं तो हम मजे करने वाले। तो कैसर, अभी मैं अपने घर पर आ चुका हूँ सिर्फ एक दिन के लिए, कल से हम वापस अपनी जॉब पर जाएंगे, पर आज हम बहुत सारे मजे करेंगे। तो कैसर आज की वर्ष बिताई, अगर आपको ऐसी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और कैसर इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वापस जाके जॉन फॉलो कर लेना। मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए, मैं जा रहा हूँ सोने, तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।